स्वागत है आपका प्राची की किचन में। आज की रेसिपी है झारखंड की फेमस डोसका। तो डोसका बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप चावल, आप कोई भी चावल ले सकते हो, 1/3 कप चने की दाल, 1/4 कप उड़द की दाल। अब इन तीनों को एक साथ मिला लें। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन लिया है, इसमें मैं तीनों को डाल रही हूँ। तो बस अब इन तीनों को अच्छे से वॉश करेंगे हम। तो ये मैंने वॉश कर लिया है और अब इसमें पानी डाल के हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए सोक करेंगे, या फिर आप ओवरनाइट भी डाल सकते हो। तो बस इसे ओवरनाइट सोक करने के बाद, ये ओवरनाइट सोक कर हो चुका है, तो अब मैं इसका एक पेस्ट तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और दाल और चावल के मिक्सचर में मैं मिर्च और अदरक डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, 1/2 कप से थोड़ा सा कम, और इन सबको अच्छे से मिला लें और एक बिल्कुल पतला पेस्ट तैयार करना है इसका। इसमें कोई भी दाना नहीं होना चाहिए चावल या दाल का। तो ये मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है और जितना मैंने चावल डाल लिया था उसमें मैंने 1/2 कप पानी यूज़ किया है। तो बस इसे अब साइड में रख दें फर्मेंट होने के लिए और तब तक बनाते हैं सब्जी। तो सब्जी मैं आलू टमाटर की बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 4 आलू, बड़े आलू को ऐसे टुकड़ों में काट लिया, 1 टमाटर, 2 मीडियम साइज के प्याज, 1 चम्मच हरी मिर्च और 1 चम्मच लहसुन लिया है। और मसालों में मैंने लिया है कसूरी मेथी, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और जीरा और धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, और कुकिंग ऑयल में मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। तो यहाँ पे 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ मैं। तेल के गर्म होते ही हम इसमें जीरा डालेंगे और जीरे के बाद फिर यहाँ पे मैं लहसुन और मिर्च डालूंगी और इन तीनों को थोड़ा सा पकने दूंगी 10 सेकंड के लिए। तो जब ये तीनों अच्छे से पक जाएंगे, हमें पूरा फ्राई नहीं करना लहसुन को, बस 10 सेकंड के लिए इसे सौते करना है। तो 10 सेकंड के बाद मैं यहाँ पे प्याज ऐड करूँगी और प्याज को भी हमें बहुत फ्राई नहीं करना, बस ट्रांसपेरेंट होने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो बस ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लें। तो प्याज फ्राई हो चुका है, अब मैं यहाँ पे टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर के साथ हम नमक भी ऐड करेंगे जिससे कि टमाटर और प्याज जल्दी से पक जाएं। तो नमक ऐड किया मैंने यहाँ पे, अब इसे मीडियम फ्लेम पे चला के टमाटर के पकने तक पका लें। तो 1 से 2 मिनट में ये टमाटर पक जाएंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हो टमाटर बहुत अच्छे से पक चुका है। अब मैं यहाँ पे आलू और मसाले ऐड करूंगी। तो ये मैंने आलू डाला और कसूरी मेथी डालूंगी। तो इसे हाथ पे ऐसे रगड़ के डाल दें, इसमें दोनों हथेली से ऐसे रब करके इसमें डालें, इससे इसका फ्लेवर अच्छे से आता है। और जितने भी हमारे पाउडर मसाले थे वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो बस अब इन सारी सब्जियों को मसाले के साथ अच्छे से मिला लें और 1 से 2 मिनट के लिए भून लें जिससे कि मसाले पक जाएं बस। तो मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, अब मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने इतनी क्वांटिटी की सब्जी के लिए 1 गिलास पानी यूज़ किया है। तो पानी डालने के बाद हम यहाँ पे इसे 4 सीटी आने तक पका लेंगे और हमें सब्जियाँ मीडियम फ्लेम पे पकानी है। तो बस ये 4थी सीटी दे दी है, अब मैं गैस बंद करूंगी। तो गैस का प्रेशर कुकर का जो गैस है वो खुद से रिलीज होने दे। उसके बाद आप देखें इधर सब्जियां बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो बस यहाँ पे हमें क्या करना है कि 1-2 टुकड़े आलू के जो है उसे ऐसे प्रेस करके बस पूरी सब्जियों में इसे मिला देना है। तो सब्जियां बन गई और बैटर भी हमारा फर्मेंट हो चुका है। तो यहाँ पे भी मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड किया मैंने, 1 छोटी चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ और ये भी 1 छोटी चम्मच अजवाइन है
आधी छोटी चम्मच हींग, आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और फिर आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। पर आप ध्यान रखें कि हमने सब्जियों में भी नमक डाला है तो थोड़ा कम ही डालें यहाँ पे। तो अब इन सबको अच्छे से मिला लें। तो ये मसाले अच्छे से बैटर में मिक्स हो चुके हैं। अब हम चलिए डोसा बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस पे पहले ही तेल डाल के बिठा दिया था कढ़ाई को। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, उसको हम चेक करने के लिए एक ड्रॉप डालेंगे बैटर का। अगर ये ऊपर आ जाता है मतलब कि तेल का टेम्परेचर सही है डोसा को तलने के लिए। तो ये आप देखा आपने कि ये बहुत अच्छे से ऊपर आ गया आसानी से। तो अब हम धीरे धीरे करके उस बैटर को तेल में डालेंगे। तो बस एक बार में एक ही जगह गिराना है हमें ये, और इस तरह करके हम एक बार में तीन से चार डोसा तैयार कर लेंगे। अगर डोसा का बैटर डालने के बाद डोसा ऊपर आ जाता है मतलब कि आपका बैटर जो है वो अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बैटर को थोड़ी देर और फर्मेंट होने के लिए रख दें। बैटर में सोडा या इनो का यूज बिल्कुल भी ना करें। तो बस इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी निकाल लूंगी डोसा का। तो आप देख रहे हो बहुत इजीली ऊपर आ रहा है मतलब ये बैटर बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अगर ये ऊपर नहीं आ रहा है मतलब कि ये फर्मेंट नहीं हुआ है तो आप इसे थोड़ी देर और छोड़ दें। तो इसी तरह से मैं बाकी सारे बैटर के भी डोसे तैयार कर लूंगी। तो ये सारे डोसे तैयार हो गए, चलिए अब इसको सर्व करते हैं। तो ये तैयार है डोसा।